हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। यहाँ पे बढ़िया खबर निकल करके आ रही है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। मुझे लगता है यहाँ पे जो खबर है वो इस शेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आगे जा करके साबित होने वाली है। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में हाल फिलहाल में तो गिरावट दिखाई दे रही है, परंतु इस गिरावट के चलते अभी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसे जोन पे पहुंच चुका है जो कि मुझे लगता है कि इस लेवल पे आते ही सीधा रॉकेट बनने की पूरी तैयारियां कर चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे बढ़िया बाइंग की अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। जिस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि एग्जैक्ट कौन से लेवल पे आपको यहाँ से बूम आता हुआ दिखाई देगा और आपका एसएल कहाँ रहना चाहिए। मिनिमम एसएल और मैक्सिमम टारगेट के साथ, मतलब कि मिनिमम 1:5 की यहाँ पे जो रेशियो के साथ यहाँ पे मैं आपको ट्रेड दिखाने वाला हूँ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। और साथ ही साथ जो खबर है उसके बारे में भी आपके साथ बात करना चाहूंगा। इस वीडियो के साथ आपको पूरा पूरा जुड़े रहना है, मेरे वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखना है। सबसे पहले बात करें आज की क्लोजिंग के साथ, तो क्लोजिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। 260 रुपये 30 पैसे के आसपास क्लोजिंग है, 4 रुपये ऊपर 1.5% के आसपास की गिरावट। और यहाँ पे देखें तो 1.5 लो के आसपास जाकर के इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बंद होता हुआ देखने को मिला है। सबसे पहले जो खबर है उसके ऊपर नजर कर लेते हैं। तो खबर को डिस्कशन करने के लिए मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे लेके आया हूँ और यहाँ पे खबर आपके सामने है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस गेट्स बोर्ड नोट फॉर ओवर 7,000 करोड़ फंड मोपअप। मतलब कि यहाँ पे बोर्ड की अप्रूवल मिल चुके हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को 7,000 करोड़ रुपए का फंड राइज करने के लिए। पूरी खबर को बताने के लिए मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको नीचे लेकर के आया हूँ और आपको यहाँ पे पूरी खबर बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे पहले बताया गया है कि 7,000 करोड़ रुपये वेरियस वे से यहाँ पे जुटाए जाएंगे। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो 7,000 करोड़ रुपए, उसमें 275 मिलियन डॉलर, मतलब कि 2,043 करोड़ रुपए यहाँ पे इक्विटी शेयर और अदर इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा भी राइज करे जाएंगे। परंतु ये है वो 7,000 के अंदर ही आ गया। ऐसा नहीं है कि 7,000 करोड़ प्लस 2,043 करोड़ एक करके होगा, ये कुल मिला करके 7,000 करोड़ है। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस जो बोर्ड मीटिंग ने यहाँ पे प्लान अप्रूव किया है उसको अभी भी शेयर होल्डर की अप्रूवल बाकी है। और यहाँ पे जुलाई मंथ में एक एजीएम होने वाली है, उसमें ये पूरी तरह से अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो मतलब कि जुलाई का जो महीना है वो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के लिए बहुत ही बढ़िया साबित हो सकता है। द बोर्ड हैज अप्रूव इंश्योरेंस ऑफ अनसिक्योर रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर विद विदाउट वारंट इन द इंडियन रुपीज इन वन ऑफ और मोर ट्रांसिस फॉर द एग्रीगेट अमाउंट अप टू 5,000 करोड़ ऑन प्राइवेट टेस्ट बेसिस अदरवाइज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस सेट इन अ रेगुलेटरी फाइनिंग। मतलब कि आपको पता होना चाहिए, मैंने जैसे बताया कि 7,000 करोड़ रुपए में 2,000 करोड़ के आसपास तो यहाँ पे इक्विटी इश्यू करके ही करने वाले हैं, तो बचे 5,000 करोड़, उसमें से अलग अलग टाइप के बॉन्ड इश्यू करके यहाँ पे वो अलग अलग ट्रांसिस के द्वारा, मतलब कि एक साथ हो सकता है ना करें, अलग अलग ट्रांसिस में यहाँ पे 5,000 करोड़ रुपये वो जुटाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये खबर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में यहाँ पे निकल करके आ रही है और मुझे लगता है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बढ़िया फंड रेजिंग का प्लान यहाँ पे लेकर के आया है, जिसके चलते उनका जो कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो है वो और मजबूत बना सके। मुझे लगता है आज की जो गिरावट है उसको आपको बिल्कुल नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि आज फाइनेंशियल के सभी शेयरों में गिरावट का माहौल देखने को मिला था। और अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज वीक होगा तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी उसका एक पार्ट है, तो यहाँ पे भी वीक वाली आना तय है। परंतु हमें मार्केट में जब गिरावट होती है तभी खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए। कारोबार की डिटेल आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे NSE की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 260 रुपये 30 पैसे के आसपास क्लोजिंग, जैसे मैंने बताया 3 रुपये 70 पैसे डाउन, 1.40% की गिरावट। हाई 266.60 और लो 259.85। क्वांटिटी की बात करें 1,22,51,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 21,57,000 शेयर की डिलीवरी। हालांकि परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखें तो जो क्राइटेरिया है कि 25% तक की डिलीवरी तो होनी ही चाहिए, उससे कम है 17.61 है, तो डिलीवरी थोड़ी बहुत वीक देखने को मिली है। परंतु जिस तरह के चार्ट पे सपोर्ट के आसपास अभी नजर आ रहा है, मुझे लगता है बाइंग का बढ़िया मौका अवेलेबल है। तो सीधा मैं आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा और यहाँ पे चार्ट आपके सामने आप देखें तो बढ़िया रैली के बाद अच्छा खासा करेक्शन आया है। आपको अभी भी बाइंग नहीं करना है, बाइंग के लिए जोन में आपको बताने जाऊंगा कि 252 से लेकर 246 का जो जोन है वहां पे आपको बाइंग एकदम
एग्रेसिवली बाइंग करनी है, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि थोड़ी बाइंग करनी है, यहाँ पे एकदम एग्रेसिवली बाइंग करनी है। मुझे लगता है मिनिमम मिनिमम यहाँ पे 245 का लेवल है जो कि बिल्कुल संभलना चाहिए, मुझे टूटता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। आप मेरे शब्दों को नोट कर सकते हो, यहाँ पे 245 के नीचे से लेकर के अगर ये 250 के आसपास मिलता है, इवन यहाँ पे 252 पे भी आपको बाइंग स्टार्ट कर देनी है, और आपके लिए फिर पहला टारगेट होगा 278 और 313 जो कि अभी का अभी हाई बनाया था हाल फिलहाल में ही। तो ये दो टारगेट भी लोगे तो यहाँ पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना मिलेगा पता है दोस्तों? अगर आप 250 पे बाई करते हो, 245 के आसपास का एसएल लगाते हो, 5 से 7 रुपए का नीचे एसएल और आपको टारगेट मिल रहा है 50-60 रुपए का, तो इससे ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको और कहाँ देखने को मिलेगा वो मुझे बताइए। अगर खुदा ना खास्ता, जो कि पॉसिबिलिटी 99% नहीं है कि लेवल टूटेगा, फिर भी अगर कोई मार्केट में कांड हो गया और लेवल टूट गया तो आपको और भी एग्रेसिवली बाइंग करनी है 228 के लेवल के आसपास। तो दोस्तों इन दो लेवल को आपको बिल्कुल वॉच आउट करना है, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करनी है और उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लेना है। आरएसए का लेवल देखें तो 52 के आसपास का है, तो अभी भी यहाँ पे आरएसए का लेवल मिड टेरिटरी में देखने को मिल रहा है। दोस्तों अपनी स्टडी के बेस के अनुसार ही यहाँ पे डिसीजन लेना है। और मैं बताना चाहूंगा, जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है या तो फिर करवाना चाहता है, वो यहाँ पे मेरी दी गई लिंक से अकाउंट ओपन करेगा तो मेरी तरफ से यहाँ पे उनको मेरी एक फ्री सर्विस दी जाएगी। मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर दूंगा जिसके तहत आप अपने कोई भी पर्सनल ट्रेड को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आपको इसमें पूरा आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो फिर से एक बार बोलना चाहूंगा कि ये मौका बिल्कुल भी चूकिएगा नहीं, 252 के आसपास आए तो इसको तुरंत ही दबोच लेना है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।